मैं आकाश लोकल बुक डॉट इन की तरफ से आज आया हूँ ऐसे लोगों के बीच जहाँ पर लोग अपनी आमदनी के लिए अपने जीवन यापन के लिए खुद मेहनत करते हैं। हम सब जानते हैं किसानों के बारे में, किसानों को ना तो कोई सरकार मुआवजा देती है ना उनके बारे में सोचती है, तो आइए खुद जानते हैं उन्हीं के बारे में कि कैसे वो अपना जीवन यापन करने के लिए कैसे मेहनत करते हैं। तो आज मेरे साथ हैं गिरीश। गिरीश जी बताइए, आप यहाँ पर कैसे अपनी अपना खुद मेहनत करते हैं, कैसा पैसा कमाने का जरिया ढूंढते हैं? अपना काम करते हैं और अगर महीनेदारी का पैसा मिलता है तब राशन लेके आते हैं, बीवी बच्चे यहीं हैं। आपके बच्चे सारे यहीं रहते हैं और उनका स्कूल वगैरह, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे चलती है? स्कूल में सरकारी स्कूल वहाँ में ऐसी पढ़ाई होती है। अच्छा, आपको यहाँ पर रह के क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि आप बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। आप अलग हैं यहाँ, तो ये परेशानी बाढ़ आवे तो फिर तो भगे। आपका खेत यमुना नदी के बिल्कुल बगल में है, तो जब यमुना नदी का पानी काफ़ी बढ़ जाता है तो सारा पानी खेतों में भर जाता होगा। सारा पानी खेतों में भर जाता है जब बढ़ती है तो उस वक्त आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जब पानी बढ़ता है तो सौदा हमें सब ऊपर निकालना पड़ती रोड के करीब, और जब जब बाढ़ आती नहीं है, पानी ज़्यादा आता है तो परेशानी नहीं। बच्चों को खींचो जब सौदा निकाल रहे हैं, कुत्ते दब जाते हैं, बिल निकाल रहे हो तो आते हैं अपना खाना ऊपर मुद्दे को चीते हैं वीडियो बनाने के चूल्हा। तो मान लिया अगर एक हफ्ते तक पानी नहीं कम हुआ है यहाँ पर, तो आप एक हफ्ते तक जब पानी ऊपर अपना सामान वगैरह ऊपर लेकर जाते हैं तो खाने का आप इंतजाम वहाँ पर कैसे करते हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल रोड पर हो जाते हैं? खाने का इंतजाम ऐसे ही करते हैं, खाने का उधार ले लेके खाना लेना पड़ता है। उधार लेना पड़ता है? हाँ। तो वहाँ पर आपको चूल्हा वगैरह तो बनाने को नहीं मिलता होगा, तो रोटी वगैरह खाने के लिए कहाँ से आते हैं? चूल्हा तो ऐसे ही बना लेते हैं, क्या करें। और क्या क्या परेशानियाँ यहाँ पर झेलनी पड़ती हैं? यहाँ पर नहीं कहा कि सरकार कहती है जो भी टूटेगी ये टूटेगी वो भागो, तो आपको यहाँ से पूरा खाली करना पड़ेगा। खाली तो सरकार आपको दूसरी ज़मीन नहीं दिखा, अगर वो खाली करवाती है तो ये नहीं बता देती कि आप इधर आ जाओ? नहीं, डंडा मार के और भगाती है, आपको खुद ही जाना पड़ता है दूसरी ज़मीन को देखने के लिए। आप यहाँ पर क्या क्या काम करते हैं? अगर नर्सरी में करें, खेती करें, खेती में बचत नहीं होती तो अपन रोटर में बन जाते हैं झाड़ी करने के लिए। अच्छा, खेती में आप यहाँ क्या क्या उगाते हैं? खेती में यही सब्जी है, गोभी है, हरी सब्जी सारी। हरी सब्जी सारी उगती है? हाँ। तो यहाँ से जो आपने सब्जियाँ उगाई तो आप किसको बेचते हैं, डायरेक्ट जो खरीदने वाले हैं या मंडी वगैरह? मंडी में बेचते हैं। तो यहाँ से मंडी का जो हम जैसे कोई कस्टमर है वो मंडी में जाके खरीदता है और जो आप जिस भाव से उन्हें बेचते हैं उसमें तो बहुत अंतर होगा? बहुत अंतर है। तो आपको इस हमारे जाएगी दस दाम जाएगी 10 रुपये किलो और वैसे बेचेंगे 20 रुपये किलो जो और ले जाते खरीद। तो आपने कभी सोचा नहीं कि डायरेक्ट आप कस्टमर को बेचें? डायरेक्ट का कस्टमर नहीं लगेगा। मंजू जी के साथ में, मंजू जी अभी यहाँ खेतों में ही काम कर रही है, तो आइए जानते हैं उनसे क्या क्या उनको परेशानियाँ होती हैं। तो मंजू जी आप यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक काम करती हैं? यहाँ 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। 9 से 1 बजे तक? और फिर लंच करने जाते हैं तो फिर 3 से लेकर 6 बजे तक। लंच आपको यहाँ से कितनी दूर जाना पड़ता है लंच के लिए? यहाँ से जैसे वो मेन रोड है ना वहाँ पे। आप यहाँ यहीं पर रहते हैं? हाँ, वहाँ मेन रोड के पास दीदी है हम लोगों की, वहाँ से यहाँ आते हैं काम करने। और आपका खाना पीना कैसे बनता है, मतलब आप खुद ही चूल्हा वगैरह यहाँ पे? हाँ, चूल्हा है, लकड़ ले जाते हैं उठा के तो वो चूल्हा बनाते हैं। अच्छा, जब बाढ़ का टाइम होता है, बारिश काफ़ी बढ़ जाती है, तब यहाँ पे यमुना का पानी पूरा खेतों में भर जाता होगा? हाँ, तब आपको क्या क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, बाढ़ का पानी आता है तो खाना पीना बहुत प्रॉब्लम होता है, खाने पीने के लिए तो आते हैं सरकार देने के लिए। सरकार आती है यहाँ पे? अच्छा, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो आपके कैसे करवाते हैं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो हम लोग रोड पे चले जाते हैं तो वहाँ से स्कूल कुछ दिन के लिए बंद भी हो जाता है और जब खुलते हैं तो रोड पर से ही भेजते हैं स्कूल। अभी आप यहाँ पे ये क्या, इसको क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है, क्या कर रहे हैं अभी आप? हम लोग टपोरी बना रहे हैं। टपोरी? हाँ। टपोरी का मतलब ये, इसको छटाई, इसका मतलब होता है? हाँ, छटाई तो बोल को बोलते हैं, बोल को छाँटते हैं, अभी बना ही रहे हैं इनको, ये बन जाएंगे तब छटाई बनेंगे। अच्छा, तो सारे लोग सारे बताओगे एक साथ? हाँ। कौन कौन सी क्लास में? एलकेजी। यूकेजी? और थर्ड में? सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटी क्लास में? अच्छा, अभी क्या खेल लेते हैं? घर वाला। मम्मी पापा कहाँ हैं?
अरे मैं पूछ रहा हूँ, मम्मी पापा कहाँ है? घर पे? अच्छा, स्कूल जाते कितने बजे? स्कूल सरकारी स्कूल में? कितने? हाँ, सरकारी में कितने बजे से होता है स्कूल आपका? आठ बजे से। आठ से एक बजे तक। उसके बाद क्या करते हो एक बजे के बाद? जोर से बताओ। एक बजे के बाद घर आते हो और उसके बाद घर आने के बाद खाना खाते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद खाना खाने के बाद खेलते हो। क्या खेलते हो? कुछ भी। क्या खेलते हो बताओ? अच्छा, खेलने के बाद क्या करते हो? फिर खाना खाते हो। खाना खाने के बाद फिर खेलते हो। ट्यूशन जाते हो? ट्यूशन कहाँ पर? आपकी बहन पढ़ाती है। क्या बनना है मैं सबसे पूछता हूँ, सबको बताना है, ठीक है? अच्छा, क्या नाम है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या नाम है? ज्योति। अच्छा, क्या बनना है बड़े होके? कौन सी क्लास में? पहली में। क्या बनोगे बड़े होके? नहीं पता। अच्छा, और कौन बताएगा? अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? अभिषेक। बड़े होके क्या बनना है? इंस्पेक्टर। ओके, और कौन बताएगा? यस, बड़े होके क्या बनना? प्रीति। बड़े होकर क्या बनना? पुलिस। अच्छा, किसको मारोगे पुलिस? ये थे हम किसानों के बच्चों के बीच में। हमने जाना कि वो कैसे अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं, कैसे वो अपना पूरा दिन यहाँ पर खेतों में बिताते हैं। तो काफ़ी खुश रहते हैं बच्चे, उन्हें किसी बात की परेशानी नहीं होती, ये देखकर हमें काफ़ी खुशी होती।